ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا वमा क्या नमीनमशरकिन मोहतरम हज़रत ख़वा छोटे बच्चों तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हम सबको ईदल मनाने की सदत और तोफ़ी बख्शी है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सदत है बहुत बड़ी मेहरबानी है जो अल्लाह ने आप पर और मुझ पर किया है अल्लाह रब्बे दुल जलाल ने हमी ज़िल हिज्जा के दिन भी आता फरमाए जिसमें हमने बहुत सारी इबादतें की ईशा ईद का ये खुतबा पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं होगा अगर कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं कोई पाबंदी नहीं है अल्लाह के नबी नबीसम सुन्नत के मुताबिक ऐलान कर देते थे कि जिसे बैठना चाहे बैठे कोई जाना चाहे जाए तो सुनत नबी के मुताबिक हम भी आपके सामने यही ऐलान करते हैं जो बैठेंगे पंद्रह मिनट से ज़्यादा कुछ बातें हम सुने कि आखिर ये क्या ईद कुर्बान है जो हर साल हम मनाते हैं इसके पीछे क्या हमत पोशीदा है क्या सिर पिनहा है क्या चीज़ है जो अल्लाह रबल हमको बताना चाहते हैं सूरत आले इमरान आया नंबर नाइन्टी फाइव जो मैंने आपके सामने तिलावत की कुल सदाकल्ला ए नबी सल्ला वसलम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ने सच कहा फत बे मिल्ल इब्राहिम हनीफा इब्राहीम हनीफ की इतबा करो फॉलो करो उनकी मिल्लत की इतबा करो व मा माँ क्या नमीनमशी और वो मुशिकीन में से नहीं थे दोस्तों अजीजों माँ और बहनों हर साल ईद क़ुरबान हम मनाते हैं ये ईद क़ुरबान आपको मुझे बहुत सारी बातें सिखाती जहाँ तक कुर्बानी के अहकाम हैं आप सुन चुके हैं इससे पहले कि जुमो में आपको माशाल्लाह बता दिया गया है आप में से सब कुछ जानते हैं कि कुर्बानी कैसे देना है कैसे बांटना है किसको देना है कैसे जबा करना है किसकी तरफ से जबा करना है सारी बातें आपको मालूम है अगर किसी को यहां खड़ा कर दिया जाए तो आधा घंटा खुदबा देंगे इतनी मालूम तो आपको हैं जहां तक आदाब और मुस्तहब हैं सुनन हैं वो भी आप जानते हैं ईद के दिन के आदाब क्या हैं कि तकबीर कहें ज्यादा से ज्यादा पहले दिन ईद के दिन आप तक वबाह करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है जिसको योम नहर कहते हैं आज के दिन अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है वबाह करते वक्त आप बिसमिल्ल अकबर पढ़ेंगे और भी दुआ पढ़ लेते हैं तो ठीक है नबी ने सिर्फ़ बिसमिल्ला अकबर कहा और अपने हाथ से बाह किया हाथ ही से तो बाह होता है यहां बताना ही चाहते हैं कि आप अपने से हाथ से जबाह करें ये नबी की सुन्नत है औरत भी अपने हाथ से जबाह कर सकती है जैसे हजरत अबू मुसा शरीर रबी की बेटियों ने जबह किया और जबाह के आदाब बतलाए गए और एक चीज जो कॉमन मिस्टेक जो लोगों के सामने हम देखते हैं जानवर के सामने छुरी तेज करना एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को दबाह करना ओलमा ने इसे हराम करार दिया है शेख महतमी ने कहा कि हराम है आप कोई हीला बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास छोटे छोटे घर हैं कहाँ ले जाएंगे उस जानवर को कहाँ ले जाएंगे कुछ भी कीजिए मत दीजिए कुर्बानी लेकिन सुन्नत के मुताबिक दीजिए सुन्नत के मुताबिक दीजिए जानवर के सामने छुरी तेज़ करना जानवर सारे वहाँ हैं एक जानवर यहाँ जबा हो रहा है और इसी तरह हम अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें ईद हमारी है गैरों की नहीं है हम दूसरों की ईदों पे तकलीफ महसूस करते हैं जब कचरा जम जाता है पटाखे उड़ने लगते हैं तो हम अपनी ईदों में दूसरों को कैसे तकलीफ दें आपकी ईद है आपकी गलाजत से वो कोई और कोई नुकसान दे किसी को और को तकलीफ हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीमत हमको नहीं सिखाई दोस्तों अजीजों माँ और बहनों कुरबानी की ईद मिल्ल आबिकम इब्राहिम तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है इब्राहिम जिनको हम कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया दोस्त बनाया अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं अल्लाह ताला ने साफ सीधा कह दिया कि जो मुतकी हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं जो तकवे वाले हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं कुर्बानी दो ही बातें आपको सिखाती है एक अल्लाह की रजा सिखाती है अल्लाह की रजामंदी आप हासिल करना चाहते हैं दूसरा तखवा पैदा करना चाहते हैं वो नमूद नहीं शुआफ नहीं मैंने इतने का जानवर कुर्बानी दी इतना बड़ा जानवर कुर्बानी दिया इतने जानवर मैंने कुर्बानी दिए ये कुर्बानी नहीं सिखाती लेना वला दिमाउहा उहा वला कीना तकवा मिनकुम अल्लाह तुम्हारा तखवा देखना चाहता है दो बेसिक चीजें जो कुर्बानी आपसे चाहती है अल्लाह की रजा के लिए करो जो कुछ भी करो अल्लाह की रजा के लिए करो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए इसके अलावा आपको कुछ चाहिए अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो अल्लाह आपको अपनी जन्नत देगा उसके लिए कुछ कोशिशें मेहनतें करनी पड़ती हैं अल्लाह ऐसे राजी नहीं होते हैं अल्लाह की रजा के लिए जिसकी याद में जिसकी सुन्नत में हम कुर्बानी मनाते हैं उन्होंने कितनी कुर्बानी दी वही रिब तला इब्राहिम और अबूबिकल इम्फा आत्म महन काला इन्नी जा इमामा अल्लाह ताली ने इब्राहिम आलम को इमाम बनाया और अल्लाह तला ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया तो क्या क्या कुर्बानियां इब्राहिम आल्लम ने दी आंख खोला देखा तो मुशरक है बुतकदा है बाप से लड़ लिया बोला कि ये गलत है कभी आप अपने मुशरिक बाप से आपने बात की है कभी आप अपने किसी दरगाह जाने वाले रिश्तेदार या अपने पेरेंट्स से गुफ्तू की है कि ये गलत है ये मज़ार परस्ती कबर परस्ती ये शर्क ये चीज़ें गलत हैं कभी आप अपने उस दोस्त से बात की है जो अपने हाथों में कड़ा और तावीज़ पहनता है कि ये गलत है इब्राहिम आसम ने अपने बाप से दुश्मनी मोल ली बाप ने घर से बाहर निकाल दिया उस गांव में जो बुद्ध कदा था मंदिर था वहां के बुत तोड़ डाले और गांव वालों से दुश्मनी मोल ली बादशाह है वक्त से नमरूस से दुश्मनी मोल ली तब जाकर अल्लाह दोस्त बनाते हैं आप इन्हें समझे खाली पीली अल्लाह दोस्त बना लें आप अल्लाह के वली हो जाएं अल्लाह के वली कपड़ों से दाढ़ी से नहीं होते सफेद कपड़े पहन ले सफेद दाढ़ी छोड़ ले अल्लाह का वली होगा नहीं अल्लाह का वली कुर्बानियां देता है आपसे दीन कुर्बानी चाहता है ये कुर्बानियों का दीन है ये बुजदिलों का दीन नहीं है ये निकम्मों का दीन नहीं है ये मुफ्त में निवाले तोड़ने वालों का दीन नहीं है ये उन लोगों का दीन है जो शहादत गाह उल्फत में कदम रखते हैं ये उन लोगों का दीन है ये सुमैया बिन खयात का दीन है ये अबू बकर का दीन है जिसने सारा माल अल्लाह के नबी के रास्ते में कुर्बान कर दिया ये ओस्मान गनी का दीन है जिसने कई मरतबा अपनी जिंदगी में जन्नत खरीदी ये वो साहब कराम का दीन है जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के राह में कुर्बान कर दी कहा पुस्तु बेबिल अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया राम बिन मिलहान रजी अल्लाह पीछे से तीर लगता है शहीद होते हैं और जबान पर अल्फाज हैं, मैंने का मैं कामयाब हो गया अरे कौन सी कामयाबी है आप शहीद हो जाएंगे आप फौत पा जाएंगे लेकिन कह रहे हैं कि मैं कामयाब हो गया असल कामयाबी है ये फौज अवीम है ये फौज मुबीन है तो बात हमारे कहने की ये थी कि नबी की सीरत को देखो हजरत इब्राहिम की सीरत को देखो बादशाह वक्त नमरूज से दुश्मनी मोली आग में कूद गए आग में डाले गए जो कई दिनों तक आग गर्म कर दी जा, जाती रही और अल्लाह का हुक्म भी आ गया इब्राहिम अल्लाह ताला ने आग ठंडी कर दी आजमाइशें यही खत्म नहीं हुई आजमाइशें यही खत्म नहीं हुई कहा उसके बाद एक ऐसा मरहला आया कि अपने बीवी हाजर को लेकर हिजरत किया हिजरत के सफर पर रवाना हुए वहां के बादशाह से भी उनकी दुश्मनी जो मुशरिक था और हाजर को अपने लिए खास करना चाहता था और 80 पर 6 साल की उम्र में बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे बच्चा अता फरमा औलाद अता फरमा अल्लाह ने औलाद दी और फलम्मा बल अगामास्सा या बुनैया इन्नी अरा फिलमनाजबाहरा बच्चा जब खेल कूदने के काबिल हो गया फलम्मा बल गास्सा तो बेटे से कह रहे हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुम्हें जबाह कर रहा हूं बच्चा भी क्या बच्चा था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच बा बच्चे ने बाप से कहा इसमाइल अल्लाम वो कहते हैं फंद और मा दा तारा कॉल या अबा तो उमर अबा जैसे आपके ख्वाब में दिखता है वैसे आप कीजिए अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं किसी और के नहीं होते जैसे किसी नाइजेरिया में किसी ने ख्वाब देखा तो अपने बेटे को जबा कर दिया हाँ बोला कि मैं ख्वाब में देखा तो उसने अपने बेटे को जबा कर दिया कहा कि अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं हमारे ख्वाब नहीं ना हम सोते हुए वजू बनाते हैं ना नमाज पढ़ते हैं हम मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं हमारे कौन से ख्वाब पढ़ेंगे हमारे ख्वाब ऐसे पढ़ते हैं देख के हमको डर लगता है हमारे ख्वाब का एतवार नहीं है वो नबी के ख्वाब थे जो सच्चे होते थे तो बेटे ने भी ही जवाब दिया आप अच्छी तरह जानते हैं बाद में क्या हुआ औफ़ीना बेन अजीम वलमा असलमा व्लू जबीन जब दोनों लेट गए बेटा भी तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने आसमान से दुम्बा भेज दिया वफदे ना हो बिदिन अभी यही आजमाइश का दौर खत्म नहीं हुआ उसके बाद भी एक ऐसा मौका आया अल्लाह का हुक्म आया कि ऐसा करो अपनी बीवी हाज़र और बच्चे को मक्के की उस बे आबो गया सहरा में ले जाकर छोड़ दो जहां पानी नहीं है और वहां भी अल्लाह का हुक्म था छोड़ दिया ये आजमाइशे कैसी ये आजमाइशें कैसी हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं दोस्तों अजीजो हम आपसे कहते हैं कि हर जमाने में फ्रौन होते हैं हर जमाने में फ्रौन होते हैं मुसा सलाम के जमाने में फ्राउन था और फ्र हर जमाने के मुख्तलिफ होते हैं जमाने के जो तके होते हैं जो डिमांड होते हैं जमाने की जो मुखालफते होती हैं जो आपके दीन और ईमान को लूटना चाहते हैं इन इन इम्तिहानों का मुकाबला करो जैसे सैदना इब्राहिम ने किया उनसे कॉम्प्रमाइज मत हो जाओ इब्राहिम आसाम ने तोहीद की आबियारी की शिर के खिलाफ जंग की वो जंग आपको लड़नी है अपने दीन में इस इख्तियार करनी है और ऐसे नहीं चलो उधर की हवा हो जिधर की कोई किधर बुलाता है तो उधर चले गए ये इधर बुलाता है तो इधर चले गए ऐसे हाँ? हम नहीं करेंगे हर फिराउन का हम मुकाबला करेंगे इस सरजमीन पर अपने क़लिमे तोहद के साथ जिंदा रहेंगे अपने ईमान के साथ जिंदा रहेंगे हमारी तारीख हमारा इतिहास हमारा हमारी सीरतें वो हैं हमारा ताल्लुक वो है जो साहब कराम से मिलता है इमामबिया सैदालमरसिन सम की तालीमत पर हम अमल करते हैं दोस्तों अजीजों खुदबा ख़त्म करने से पहले मैं सारे नौजवानों से कहूंगा मेरे मुस्लिम नौजवानों से मेरी बहनों से कहूंगा कि आप मुसलमान हैं आप मुसलमान हैं आप इस्लाम के शहसवार हैं अपने दीन का सौदा न करना अपने दीन को न बेचना यह भी उदीन नो बेदि दुनिया थोड़े से दुनिया के खातिर दीन को न बेचना मुसलमान बनकर जिंदा रहें अपने ईमान के साथ जिंदा रहें अपने अखलाक के साथ जिंदा रहें और जो कुछ ज़माने में फ़हश बुराई फजूर फसूक देखते हैं कभी मुसलमान बच्ची को भी ख्वाहिश होती है कि देखो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली कैसे ड्रेस पहन के आती है रोज़ाना एक ड्रेस पहनती है कैसे उसके ज़ेवरात हैं कैसे उसकी नुमाइश है मैं भी चाहती हूँ कि यह हिजाब निकाल के फेंक दूँ मैं भी ऐसी खूबसूरत लगूँ बुला कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे हिजाब में है हमारे मुस्लिम नौजवान मैं उनसे कहूंगा कि आप मुसलमान हैं आप पैकर अखलाक बने नबी वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपना चेहरा अपना लिबास रखें अपनी निगाहों को नीचे रखें ये इस्लाम आपसे मुतालबा करता है दोस्तों अजीजों माँ और बहनों ईद कुरबान का ये मौका है इस्लाम आपसे क़ुरबानी चाहता है ये क़ुरबानियों का दिन है यही ईद क़ुरबान हमें सिखाता है र्बानी का ये मतलब नहीं ये तो एक अलामत है कि हमने चंद पैसों में एक जानवर खरीदा लाकर जबाह कर दिया ये तो एक अलामत है लेकिन इसके पीछे जो मांग है वो है आप अपनी वक्त की कुरबानी दें आप अपनी मर्जी की कुरबानी दें आप अपने ख्वाहिशात की कुरबानी दें उस मुसलमान पर मैं मातम करूं गिरया उजारी करूं जो फजर की नमाज के वक्त अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे सकता लेकिन पचास हजार का बकरा दे सकता है हाँ पचास हजार की बकरी की कुर्बानी हम देने को तैयार हैं लेकिन मोजिम की फजर की अजान पर मस्जिद को आने को तैयार नहीं इस मुसलमान के अखल पर मैं मातम करूं? इस्लाम तो आपसे हर पल कुर्बानी चाहता है हमेशा कुर्बानी चाहता है इस्लाम का ये तफादा आपसे है इसलिए कि हमारा दीन ही ऐसे है हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते हम सूद नहीं खा सकते हैं अल्लाह कहता है नहीं हलाल खाओ यहां हमारी कुर्बानी देनी पड़ती है भले आधा पेट खाओ लेकिन हलाल खाओ आप ऐसे नहीं भले रूखा सूखा पहनो मोटा धाटा पहनो लेकिन हलाल पहनो अब दुआ करो अल्लाह से आपकी दुआएं कबूल होंगी देखा अपने सारे मुसलमानों ने मिलकर जद्दोजहद किया उल फितर था जहां यहां खड़ा होकर मैंने आपके सामने खुतबा दिया था कि सारे ओट डालें सारे अल्लाह से दुआ करें इस ईद के खुतबे में आप सोचें अल्लाह ने हमको उसका नतीजा क्या दिया हम मुसलमान शान से कह सकते हैं कि अल्लाह ने अपने कर्म से हमको बचा लिया अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दुआएं कबूल कर ली आपकी जद्दोजहद ने रंग लाया आपकी कोशिशों को अल्लाह ने कबूल कर दिया अगर यही कोई शिशे, यही कोशिश पायेदार रहें हमेशा अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए हम कोशिश करें तो कितने नतीजे बरामद हो सकते हैं अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ इलामीन जितने लोग इस दरबार में जमा हैं इस मैदान में जमा हैं या अल्लाह सब की दुआओं को कबूल फरमा या अल्लाह हमारे इस मैदान में कमज़ोर भी हैं ईफ भी हैं आजिज़ भी हैं या अल्ला सुब की दुआओं को कबूल फरमा या अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हीं शिफाए कुल्ली आता फरमा शिफाए आजिला अता या अल्लाह हम सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाज दे या अल्लाह आलम इस्लाम में जहां जहां जालिमों से नबरद आजमा हैं जालिम उन पर जुल्म कर रहे हैं या अल्लाह उनको ऐसा बदला दे जो दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाए या अल्लाह जालिमों के हाथों को पकड़ ले या अल्लाह हमसे और देखा नहीं जाता हमी सब्र की हदें पार हो रही हैं या अल्लाह मासूम बच्चों की हालतें देखी नहीं जाती या अल्लाह गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की हालत देखी नहीं जाती या अल्लाह उन मुसलमानों पर रहम फरमा या अल्लाह उन मुसलमानों पर रहम फरमा या अल्लाह उन मुसलमानों पर रहम फरमा अलमीन हम मुसलमानों में जो लोग बेरोज़गार हैं फख्र फाख़ा के मोहताज हैं या अल्लाह फाखा का शिकार है या अल्लाह कर्जों में फंसे हुए हैं या अल्लाह सारों को अपने खजाने से आता फरमा या अल्लाह तू दिन रात खर्च करता है तेरा हाथ भरा हुआ है या अल्लाह मुसलमानों को अपने खजाने से आता फरमा या अल्लाह हम पर ऐसी कौम को मुसलत न कर जो हम पर जुल्म करे या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं हम खताकार हैं हम गुनहगार हैं या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह जितने नौजवान हमारे सामने बैठे हैं या हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या अल्लाह सुबह को पाँच वक्त नमाज की पाबंदी करने की तोफ़ीक नसीब फरमा या अल्लाह हमें जो ऐसे नौजवान हैं जो शादीशुदा नहीं हैं या अल्लाह उन्हें अच्छे जोड़े आता फरमा या अल्लाह हमारी बहनों को अच्छे शोहर आता फरमा अखलाक वाले शोहर आता फरमा या अल्लाह नौजवानों को नेक सालिहा, कानिता बीवियाँ आता फरमा या अल्लाह हमारे वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफ़िरत फरमा उनके खबरों को नूर से भर दे या अल्लाह हम सब की कुर्बानियाँ जो हम कर रहे हैं उन को कोबूल फरमा या अला तुमियों से कबूल करता है या अल्लाह हमारी इबादतों को को कोबूल फरमा या अल्लाह आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों कोर्बानी की ईद अमन के साथ सलामती के साथ करने की तोफ़ी नसी फरमा या अला इस मैदान में जिन जिन बच्चों ने भी मेहनतें की हैं इसके अरेंजमेंट में या अल्लाह सब को उनका सही अजर फरमा, या अल्लाह उनको सही अता फरमा, रोशन अता फरमा, या अल्लाह इन तमाम को जो इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं सब को फरमा, ताफरमा अल्लाह मलासलूनबी यादी आमन वसलीम तस्लिमा अल्लाह मसलआ मोहम्मद वाला मोहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته